हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर क्लास आज जो हम रिएक्शन ऑफ अल्काइंस पढ़ने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइंस यानी हम वाटर को ऐड करेंगे किस पे अल्काइंस पे और जब भी हम वाटर को ऐड करते हैं उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं तो ये क्या इसको हम इस रिएक्शन को हम क्या भी कह सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन भी कह सकते हैं तो अल्काइन विल अंडर गो एसिड कैटेलाइज एडिशन यानी एसिड के प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन शो करेगा अल्काइंस किसका एडिशन होगा वाटर वाटर का एडिशन होगा एक्रॉस दी ट्रिपल बॉन्ड ऑफ दी अल्काइन ठीक है किसके प्रेजेंस में मर्क्यूरिक आयन के प्रेजेंस में जो एक कैटलिस की तरह बिहेव करेगा मर्क्यूरिक आयन मींस एच जी टू पॉजिटिव और ये जो एडिशन रिएक्शन होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बाउंड पे वाटर का ये अकॉर्डिंग टू क्या हो गया होगा मॉर्कनिकरेंटेशन होगा और मॉर्कनिक ने क्या कहा था Markenikov ने कहा था कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिस पे पहले से ही ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड है ठीक और इस रिएक्शन में यानी एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइंस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो या एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा मेजर ऑफ द रिएक्शंस में हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो कीटोन होता है एल्डिहाइड सिर्फ किसके केस में बनेगा जब आप अल्काइन इथाइन लेंगे यानी वो अल्काइन जिसमें सिर्फ दो ही कार्बन प्रेजेंट हो ठीक है चलिए हम एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं ये हमारे पास एक अल्काइन है जनरल अल्काइन है जो कि एक टर्मिनल अल्काइन है क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है एंड पे प्रेजेंट है अगर इस अल्काइन का आप रिएक्शन कराओगे किस के साथ वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन कैटलिस जो कि क्या है एच जी एस ओ फोर इसको हम कहेंगे मर्क्यूरिक सल्फेट जहाँ एच जी पे टू पॉजिटिव और सल्फेट पे टू नेगेटिव होगा और जो हम एसिड यूज करेंगे वो कौन सा होगा एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर ऐड होगा किस पे अल्काइन पे तो टू क्या होगा मार्केनिकॉफ रूल होगा मार्केनिकॉफ ने क्या कहा था शाबाश कि वाटर में से एच जो है उस कार्बन पे जाएगा जो पहले से ही ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन से अटैच है तो इस अल्काइन को अगर हम देखें तो ये वाला जो टर्मिनल अल्काइन कार्बन है ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है और ये वाला कार्बन जो है अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो इस ये कार्बन तो एक हाइड्रोजन के साथ है इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है दैट मीन्स वाटर में से एच इस कार्बन पे जाएगा और OH इस कार्बन पे जाएगा देखिए कार्बन में से अगर एडिशन होगा ट्रिपल बॉन्ड में तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच था तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं था सिर्फ अल्काइल ग्रुप था तो इस कार्बन पे क्या अटैच हो जाएगा ओ एच अटैच हो जाएगा और जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ये कार्बन और ये कार्बन इसको हम विनाइलिक पोजीशन कहते हैं और इस कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होगा चाहे इस साइड से तो कोई कार्बन नहीं है इस साइड से ये वाला जो कार्बन होगा अल्काइल ग्रुप का ये कौन सा पोजीशन था एलाइलिक पोजीशन था तो वेनाइलिक पोजीशन पे ओ एच प्रेजेंट है ओ एच फंक्शनल ग्रुप किस में प्रे, कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट होता है अल्कोहल में तो इसको हम क्या कह सकते हैं विनाइल अल्कोहल कह सकते हैं यानी एल्काइन पे जब वाटर ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक विनाइल अल्कोहल बनेगा अब यहाँ देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और हम नाम लिखने जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं जो हमारा सफिक्स होता है वो इन होता है ठीक है अगर दो कार्बन हो तो हम ईथीन बोलते हैं ई टी एच ई एन ई ठीक है इसी तरह तीन कार्बन होता है हम प्रोपीन बोलते हैं ई एन ई यूज करते हैं और जब भी हम अल्कोहल का नाम लिखने जाते हैं तो जो सफिक्स हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं ओल एक कार्बन होता है मिथेनॉल दो कार्बन होते हैं इथेनॉल तीन कार्बन होता है तो प्रोपेनॉल ठीक है तो जो हम आईपीएक आई नेम लिखने के लिए डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हैं एज ए सफिक्स और किसके लिए ओ OH एच के लिए ओल यूज करते हैं तो इस विनाइल अल्कोहल को हम क्या कहे क्या भी कह सकते हैं इनोल भी कहते हैं ई एन ईन ओ एल ओल इन फॉर डबल बॉन्ड ओल फॉर अल्कोहल यानी इनोल वो कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ओ एच भी प्रेजेंट है ओ एच यानी हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है ठीक तो ये रिएक्शन हम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कर रहे हैं ठीक है तो एसिड के प्रेजेंस में ये जो इनॉल होता है ये आइसोमराइस होता, होता है या टोटोमराइस होता है इनटू मोर स्टेबल कीटोन फॉम यानी इनोल से ये कीटोन फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड क्योंकि यहाँ हम एक एसिड यूज़ कर रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में ये इनोल टोटोमराइज़ होके हमें क्या दे देगा कीटोन दे देगा दे या आइसोमराइज़ होगा अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ एटम्स सेम है देखिए यहाँ एक आर ग्रुप है यहाँ आर ग्रुप है कार्बन कार्बन है कार्बन कार्बन है तीन हाइड्रोजन है तीन हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है तो नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो ये जो इनोल आइसोमर होगा ये तो ये आइसोमराइज हो जाएगा कीटोन में सिर्फ कैसे ये डबल बॉन्ड जो कार्बन और कार्बन के बीच में था ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच था ये हाइड्रोजन किस पे चला जाएगा कार्बन पे चला जाएगा और इनोल जो है आइसोमराइज होके कीटोन दे देगा और इस आइसोमराइजेशन का या इसको हम टोटोमराइजेशन भी बोलते हैं क्यों होता है ये टोटोमराइजेशन -टो ये टोटोमराइजेशन इसलिए होता है कि इनोल फॉर्म के कंपैरिजन में कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है तो जो ही अल्काइन पे वाटर ऐड हो कि इनोल बनेगा इनोल क्विकली यानी जल्दी से टोटोमराइज हो के हमें प्रोडक्ट क्या दे देगा कीटोन दे देगा दे 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 या कुछ केसेस में हमें क्या दे देता है एल्डिहाइड दे, दे देता है ठीक है इसका मैकेनिज्म अभी समझेंगे तो एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल ये यहां पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिया हुआ है पहला यहाँ पे दो ही कार्बन है दो ही कार्बन हो गया तो क्या हो जाएगा इसको हम क्या कौन सा कंपाउंड इथाइन है इथाइन का अगर आप वाटर के साथ एडिशन रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड तो अगर हम देखें तो यहाँ इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है फिर कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है तो इस केस में मॉर्कनिक ऑफ रूल अप्लाई नहीं होगा क्यों अप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है तो ओ एच किस, का किसी कार्बन के साथ भी अटैच कर लो या एच किसी भी कार्बन के साथ अटैच कर लो प्रोडक्ट एक ही बनेगा तो हम क्या कर लेते हैं इस कार्बन पे ओ एच अटैच कर लेते हैं और इस कार्बन पे क्या अटैच कर लेते हैं एच अटैच कर लेते हैं तो ईथाइन जो है किस में इनोल में कन्वर्ट हो गया ठीक है और इन द प्रेजेंस ऑफ जो एसिड हमारे पास है क्योंकि हमने एसिड से पहले वाला रिएक्शन किया था तो एसिड रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट होगा एसिड मींस किस से डिनोट करेंगे एच पॉजिटिव से तो एच पॉजिटिव एसिड के प्रेजेंस में ये टोटोमराइज हो जाएगा टोटोमराइज कैसे होगा या आइसोमराइज क्या होगा ये वाला ओ OH वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा देखिए ओ OH वाला हाइड्रोजन को हम डब्बे में रख देते हैं तो ये डब्बा वाला एच कहाँ चला गया कार्बन पे चला गया ठीक और ये जो डबल बॉन्ड था कार्बन और कार्बन के बीच में ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा ये डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो गया और कार्बन का किसके साथ बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, साथ। यानी एल बना दो कार्बन है तो ई टी एच ए एन ई टी एच ए एन ठीक है सिंगल बॉन्ड है अब देखिए इथेन नहीं है यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एल डी हाइडिक एल डी हाइडिक फंक्शनल ग्रुप के लिए हम अल यूज करते हैं तो प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा इथाइन जो है इथेनल में कन्वर्ट हो जाएगा इसी तरह हमने दूसरा एल्काइन यहाँ पे लिया हुआ है इस एल्काइन का नाम क्या है शाबाश तीन कार्बन है तो प्रोपाइन प्रोपाइन का अगर रिएक्शन करोगे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड अब इसमें क्या लगेगा इसमें हमारा मार्केनिकॉफ रूल लगेगा मॉर्केनिक रूल इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और ये कार्बन के साथ एक सी एच थ्री जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है तो मार्केनिक के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जो पहले से ही ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ क्या है अटैच है तो इस कार्बन पे क्या जाएगा? OH आ जाएगा ओ एच आ जाएगा इनोल बन गया इनोल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एच पॉजिटिव क्या हो जाएगा टोटोमराइज हो जाएगा टोटोमराइजेशन होगी टोटोमराइजेशन में क्या होगा ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो सी एच थ्री हो गया सी हो गया ये डबल बाउंड सी और सी के बजाय कहाँ आ जाएगा सी और ओ के बीच में सिंगल बाउंड सी इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन था और कौन सा वाला H हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन यानी जो OH के साथ जो हाइड्रोजन था वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पे तो क्या बन गया कीटोन सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री जिस टू पोजिशन पे सी डबल बॉन्ड है तो प्रो प्रोपेन ठीक है अब देखिए कीटोन है तो हम इसमें सफेक्स जो यूज करेंगे ओन यूज करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे इसका नाम क्या होगा टू प्रोपेनोन और इस टू इस कंपाउंड को आयोपेक नेम से ज्यादा इसके कॉमन नेम से जाना जाता है कॉमन नेम इस कंपाउंड का है एसीटोन जनरली टू प्रोपेन को हम किस से जानते हैं एसीटोन से इसके कॉमन नेम से अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है थोड़ा सा मैकेनिज्म पे गौर करते हैं तो मैकेनिज्म में पहले स्टेप में क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा मर्क्यूरिक आयन का देखिए मर्क्यूरिक आयन एस जी टू पॉजिटिव है मरकरी पे दो पॉजिटिव चार्ज है दो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इस मरकरी ने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये क्या करना चाहता है इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और अल्काइन ऑलरेडी अल्काइन के पास दो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन रिच है जो कि वीक है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा तो ये जो एच जी टू पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन डिफिशन है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो ये एच जी टू पॉजिटिव किस पे एड हो जाएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे और हमें पहला क्या मिलेगा एक विनाइल कैटाइन यानी विनाइल कैटाइन जहाँ वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है उस पर क्या चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो जो फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा वाटर के साथ वाटर के साथ, साथ रिएक्ट कराने के बाद वो एक कंपाउंड बनाएगा जो कि एक प्रोटॉन लूज करके हमें क्या दे देगा ऑर्गेनो मर्क्यूरी मर्क्यूरियल अल्कोहल देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ठीक है और एस जी टू पॉजिटिव एज ए मर्क्यूरिक आय ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है ये अपना इलेक्ट्रॉन देके किसके साथ बॉन्ड बनाएगा एच जी टू पॉजिटिव यानी एच जी टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा देखिए कार्बन आर था कार्बन था इस कार्बन ने जो यहाँ पे दो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे इसको यूज करके किसके साथ बॉन्ड बनाया एच जी के साथ, साथ मर्क्यूरि आयन के साथ और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है देखिए एस जी के पास एस जी पे दो पॉजिटिव चार्ज था लेकिन इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहा लेकिन ये जो पाए इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था किस पे शिफ्ट हो गया किसके पास चला गया एस जी के पास यानी एस जी ने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसने क्या कर लिया गेन कर लिया जो किसका था इस कार्बन का था तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्यों क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो एस जी पे पहले टू पॉजिटिव था लेकिन अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इस पर क्या आ जाएगा सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज बचेगा अब इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन एसजी को दे दिया तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो उस पे क्या चार्ज है पॉजिटिव चार्ज यानी विनाइलिक पोजीशन पे क्या चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है विनाइलिक कार्बन पे तो इसको हम क्या कहेंगे विनाइल के टाइम अब ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बन बहुत ही ज्यादा क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अब हमारे रिएक्शन मिक्सचर में क्या भी है वाटर भी मौजूद है वाटर में ऑक्सीजन पे क्या है दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यानी ऑक्सीजन के पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा उस कार्बन को जिस पे क्या चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है यानी यहाँ पे ये जो वाटर है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट कार्बन को क्या दे देगा इलेक्ट्रॉन दे देगा ठीक है अब देखिए इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज था इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया क्योंकि कार्बन के दुर्ण पास बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था तो ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का ऑक्सीजन के पास रहा दूसरा लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन था इसने कार्बन को दे दिया जिसकी वजह से अब इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यानी फ्लोरीन के बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है किस में टेबल में तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है किसी भी एटम का उस पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही अनस्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा लेकिन पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल हो गया तो ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो जो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा वो आएगा और यहाँ से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे वाटर विल एक्ट एज ए बेस एसिड जो एच पॉजिटिव को रिलीज कर दे बेस जो है एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे तो ये क्या करेगा वाटर विल एक्ट एज ए बेस यहाँ से क्या एब्सट्रैक्ट करेगा एच पॉजिटिव यानी सिर्फ हाइड्रोजन तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं इस कार्बन का ऑक्सीजन का इसके पास है हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है किस पे शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे तो ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ऑलरेडी था अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है कौन सा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा ठीक है और प्लस एच थ्री ओ पॉजिटिव यानी हाइड्रोनेम आयन निकल जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं इस ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया किसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए तो इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज अब देखिए कार्बन पे ओ OH एच लग गया कार्बन पे एच ऑलरेडी था इस कार्बन पे आर था और इस कार्बन पे क्या लग गया एच पॉजिटिव इसको हम कहेंगे ऑर्गेनो ऑर्गेनो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक ग्रुप है कार्बन है हाइड्रोजन कार्बन कार्बन का चेन है अल्काइल ग्रुप है हाइड्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं ऑर्गेनो ठीक मर्क्यूरियल क्योंकि एच जी पॉजिटिव है और ओ एच ग्रुप होगा तो हम क्या कहेंगे अल्कोहल कहेंगे यानी पहले स्टेप में क्या हो जाएगा मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा मर्क्यूरिक आयन का फिर उससे विनाइल कैटाइन बनेगा विनाइल कैटाइन पे क्या किस एडिशन हो जाएगा वाटर का फिर प्रोटॉन का रिमूवल होके क्या बनेगा प्रोटॉन रिमूव होके ऑर्गेनो मर्क्यूरल अल्कोहल बनेगा अब देखिए अंडर दी एसिडिक कंडीशन एसिडिक कंडीशन में मर्करी इस रिप्लेस बाय हाइड्रोजन क्योंकि मरकरी यहां ऐसे कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो मरकरी का तो बाहर जाना ही जाना है तो मरकरी को कौन रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन और हमें क्या दे देगा विनाइल अल्कोहल जिसको हमने क्या कहा था इनोल e कहा था अब देखिए यहां पे कैसे होगा ये ये रिएक्शन कैसे होगा देखिए अब एसिड है एच पॉजिटिव है एच पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल है एच पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बन और कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन रिच है जो हमने अल्किन का रिएक्शन देखा था तो कार्बन कार्बन बॉन्ड पे अगर डबल uh, बॉन्ड है पाई बॉन्ड वीक है तो ये काफी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है तो ये इलेक्ट्रोफाइल एच पॉजिटिव को क्या दे देगा इलेक्ट्रॉन दे, दे देगा इलेक्ट्रॉन दे देगा दे दे तो दोनों कार्बन में से फॉर एग्जांपल इस कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया यानी एच एच पॉजिटिव के साथ कौन सा इलेक्ट्रॉन लेके अपना पाए इलेक्ट्रॉन यूज करके और इस कार्बन का पाए इलेक्ट्रॉन यूज करके लेकिन इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बो कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये कार्बो केटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है ये कार्बो केटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होगा जब ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा शिफ्ट हो जाए ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अब देखो इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था जो ऑक्सीजन ने दे दिया लेकिन इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ठीक यहां तक आ गया अब नेक्स्ट में क्या होगा एच जो होगा एच पॉजिटिव जो होगा वो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एच टू पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ मर्क्यूरिक आयन यानी यहाँ से क्या निकलेगा एच टू पॉजिटिव एच टू पॉजिटिव कब होगा देखो ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है ये इलेक्ट्रॉन किसका था एच जी का एच जी टू पॉजिटिव कब बनेगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन और मरकरी का ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन और कार्बन के बीच में और यहाँ से एच जी टू पॉजिटिव निकलेगा टू पॉजिटिव क्यों क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिया इस कार्बन को दे दिया एच जी टू पॉजिटिव यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा उसके साथ साथ क्या निकल जाएगा सल्फेट आयन तो ऑलरेडी रिएक्शन में है मिक्सचर में क्योंकि एच जी लिया था तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और मरकरी वाला अगर कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के पांच बॉन्ड हो गए ना तो ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे देखिए कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन हो गया कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया और ये जो एक बॉन्ड था ऑक्सीजन पे जब शिफ्ट हो गया तो इस ऑक्सीजन ने ये अपना इलेक्ट्रॉन था कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा इस पर और पहले से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए उसके वजह से क्या होगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और हमारा क्या बन जाएगा विनाइल अल्कोहल या हम इसे क्या कह सकते हैं इनॉल कह सकते हैं यानी एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा जो ऑर्गेनो मर्क्यूरल अल्कोहल होगा ठीक है उस पे पहले प्रोटॉन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा यानी प्रोटॉन ऐड हो जाएगा एच पॉजिटिव ऐड हो गया जब प्रोटॉन ऐड हो गया एक कार्बन पे इस कार्बन पे ऐड हो गया तो दूसरे कार्बन पे क्या चार्ज आ जा जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि प्रोटॉन के साथ ये कार्बन दोनों पाए इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके बनाएगा अपना इलेक्ट्रॉन पाए इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का पाए इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन पे पॉजिटिव तो चार्ज आ जा जाएगा रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन के लिए ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन और कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा लेकिन जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ठीक मर्करी इन द फॉर्म ऑफ Sg2 जी टू पॉजिटिव मर्क्यूरिक आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा अपना तो कार्बन और मर्करी का इलेक्ट्रॉन कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होके विनाइल अल्कोहल दे देगा या इनॉल हमें एज ए प्रोडक्ट दे देगा अब ये जो इनॉल हमें बना है वो इनोल क्या हो जाएगा इनोल टेंस टू बी अनस्टेबल इनोल क्या होता है अनस्टेबल होता है एंड आइसोमराइज और क्या हो जाता है आइसोमराइज हो जाता है यानी दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि क्या है कीटोन है कीटोन फॉर्म में दिस आइसोमराइजेशन इनवॉल्स इस आइसोमराइजेशन में क्या होगा शिफ्ट ऑफ ए प्रोटोन देखो ऑक्सीजन यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप वाला जो प्रोटोन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन से कहाँ पे कार्बन पे शिफ्ट ऑफ दी क्या होगा प्रोटॉन होगा और किसका शिफ्ट हो जाएगा एक डबल बॉन्ड का जो डबल बॉन्ड पहले कार्बन और कार्बन के बीच में था वो वो डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दिस टाइप ऑफ रैपिड इक्वेरियम यानी इस जिस इस टाइप ऑफ क्या रैपिड इक्रियम इस टाइप ऑफ कन्वना कन्वर्जन ऑफ क्या आइसोमराइजेशन ऑफ इनोल टू कीटोन जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे में रैपिडली क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है इस टाइप ऑफ रैपिड इक्वेरियम को हम क्या कहते हैं टोटोमेरिज्म कहते हैं क्या कहते हैं टोटोमेरिज्म और यहाँ पे कीटो और इनोल फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है तो इस टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इसको हम क्या कहेंगे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म यानी ये जो इनोल बनेगा हाईली अनस्टेबल अनस्टेबल होगा ये तुरंत आइसोमेराइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म में इस इक्विलिब्रियम को इस रैपिड कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं टोटोमेरिज्म बोलते हैं जहां एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है और इस जहां इनोल अगर कीटो फॉर्म में आइसोमराइज होगा या टोटोमेराइज होगा तो इसको हम क्या कहेंगे कीटो इनोल टोटोमेराइ टोटोमेरिज्म ये जो कीटो इनो टेटोमेरिज्म है यानी जब इनोल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये इस इनोल और कीटो फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा ये इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड भी में भी होगा यानी एसिड कैटेलाइज भी हो सकता है और बेस कैटेलाइज भी हो सकता है आज के इस मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि एसिड किस तरह से कैटेलाइज करता है टू कन्वर्ट कीटो फॉर्म इनटू या इनोल फॉर्म इनटू कीटो फॉर्म और नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या होगा बेस केटेलाइज कीटो तो इनोल टोटोमेरिजम यानी बेस के प्रेजेंस में इनोल जो है तो फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो आज के रिएक्शन में चूंकि हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था स्टार्टिंग में अगर आप में याद हो एच टू एस ओ फोर लिया था तो एसिड के प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन किया था एसिडिक कंडीशन में तो जो ही इनोल फॉर्म बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड ये टोटोमराइज होके हमें क्या दे देगा कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म दे देगा अब देखिए इसका मैकेनिज़्म क्या है सिंपल टू स्टेप मैकेनिज़्म है बहुत सिंपल है पहले स्टेप में क्या होगा एडिशन ऑफ ए प्रोटोन एट द मिथिलीन ग्रुप अब मिथिलीन ग्रुप किसे कहते हैं देखो जो कार्बन ये कार्बन है ठीक है ये कार्बन एक कार, कार्बन अगर चार हाइड्रोजन के साथ अगर अटैच है अगर कितने हाइड्रोजन के साथ चार हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो हम इसको मीथेन करते हैं कहते हैं ठीक है थीके? लेकिन जहां ये सिर्फ तीन हाइड्रोजन के साथ अगर अटैच होगा तो हम क्या कहते हैं इसको शाबाश ये मीथेन हो गया इसको हम मिथाइल बोलते हैं जहां ये कार्बन सिर्फ दो हाइड्रोजन के साथ अगर अटैच होगा उसको हम बोलेंगे मिथिलीन तो ये हमारा क्या बन गया मिथिलीन ग्रुप बन गया मिथिलीन ये मिथिलीन है और इस पे क्या हो जाएगा एडिशन रिएक्शन हो जाएगा यानी फिर से जो हमने लास्ट अभी देखा वही सेम स्टेप हो जाएगा जो हमने ऑर्गेनो मर्क्यूरियल अल्कोहल में देखा वही यहाँ हो जाएगा इनोल फॉर्म है इनोल फॉर्म में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है एच पॉजिटिव एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है एच पॉजिटिव इज एन इलेक्ट्रोफाइल तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा और प्रोटॉन जो जाके ऐड हो जाएगा देखिए ये प्रोटॉन किस कार्बन पे मिथिलीन वाले कार्बन पे ऐड हो जाए इस पे पहले से ही दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इस कार्बन ने अपना पाई इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन यूज करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज पहले की तरह है जो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा ये वाला कार्बोकेटाइन क्योंकि ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा तो आर हो गया सी हो गया डबल बॉन्ड ओ एच अब देखिए इस कार्बन पे एक ही लोन पेयर बचा और इस कार्बन ऑक्सीजन पे एक ही लोन पेयर बचा अब कार्बन के क्या हो गए चार बॉन्ड हो गए इस कार्बन के चार बॉन्ड हो गए लेकिन इस ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड हो गए जो कि पॉसिबल नहीं है तो इस ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी जब इनोल फॉर्म पे प्रोटॉन का एडिशन होगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज इंटरमीडिएट बनेगा क्या बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज इंटरमीडिएट यानी सिंपल अल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा जो हमने सारे अल्किस के रिएक्शंस में देखे ठीक है क्या हो रहा था अल्कि अपना पाई बॉन्ड यूज करके इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना रहा था और किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा था कार्बोकेटाइन इस केस में ये जो कार्बोकेटाइन बना है वो रेजोनेंस क्या हो जाएगा स्टेबलाइज हो जाएगा ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा लेकिन ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज देखिए अब अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों रेजोनेंस रेजोनेंस स्टेबलाइज इंटरमीडिएट को तो होता क्या था जब भी इनोल फॉर्म किस में कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होना था तो दो चीज़ें होनी थी एक तो होना था ये वाला हाइड्रोजन जो है कार्बन पे चला जाए यानी कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा और कार्बन कार्बन वाला जो क्या डबल बॉन्ड होगा वो कहाँ शिफ्ट होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखो अगर ये इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें कार्बन पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन आ चुका है और इस कार्बन और कार्बन वाला जो डबल बॉन्ड है ऑलरेडी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो चुका है सिर्फ हमारे पास एक, एक एक्स्ट्रा क्या है हाइड्रोजन है प्रोटॉन है किस पे प्रोटॉन है ऑक्सीजन पे तो इसको हम प्रोटोने प्रोटोनेटेड फॉर्म भी कह सकते हैं वो कीट है तो कीटो फॉर्म लेकिन कीटो फॉर्म पे एक क्या प्रेजेंट है एक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो क्या करना पड़ेगा इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ इतना करना पड़ेगा इस प्रोटॉन को हटाना पड़ेगा तो वॉटर के प्रेजेंस में तो हम रिएक्शन कर ही रहे हैं तो वॉटर आएगा इस यहां से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन वाला और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे तो आर हो गया सी हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक लोन पेयर था अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा फिर उसके बाद यहाँ कार्बन है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है और इस पे क्या है एक और हाइड्रोजन है ठीक तो हमारा क्या बन गया कीटो फॉर्म बन गया प्लस क्या रिलीज हो गया एसिड बाहर निकल गया ना तभी तो हमने एसिड कैटेलाइसड कहा था एसिड फर्स्ट स्टेप में ऐड हुआ था एच पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप में ऐड हुआ था ना इस कार्बन पे सेकंड स्टेप में हमने एच पॉजिटिव को बाहर निकाल लिया बाहर निकाल लिया तो किसने निकाला वाटर ने बेस की तरह एक्ट किया और एच पॉजिटिव को बाहर निकाल के किस में हाइड्रोनियम आयन में एच थ्री ओ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो दैट मीन्स यहाँ जो एच पॉजिटिव है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है ना फर्स्ट स्टेप में ऐड हो रहा है सेकंड स्टेप में बाहर जा रहा है यानी एसिड के प्रेजेंस में इनोल फॉर्म जो है वो टोटोमराइज होके हमें क्या दे रहा है कीटो फॉर्म दे रहा है थैंक यू वेरी मच सी इन द नेक्स्ट क्लास जो कि इस यूनिट का आखिरी लेक्चर होगा